हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की कुकिंग। दोस्तों, आज मैं आपको एक वेजिटेबल जूस बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है गाजर, खीरा और एक बीट लिया है, थोड़े से धनिया पत्ते और पुदीने के पत्ते लिए हैं कुछ। सबको मैंने अच्छे से धो लिया और छील कर छोटे छोटे काट लिया टुकड़ों में। उसके बाद हम मिक्सी के जार में इन सब चीज़ को डाल देंगे। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम इसे मिक्सी के जार में पीस कर बनाएंगे, क्योंकि जूसर में तो डालिए तो आधा तो वेस्ट ही हो जाता है इसका पल्प, लेकिन मिक्सी में बहुत ही अच्छे से हम निकाल लेंगे। इन सबको मैंने जार में डाल दिया और बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप पानी, और इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, मैंने डाल दिया, अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, मैंने पीस लिया है ना। अब हम इसको एक सूखे कपड़े में, साफ़ सुथरे सूखे कपड़े में इसको छान लेंगे। इसके सारे पल्प को उसमें डालकर अच्छे से छान लेंगे। काफ़ी हेल्दी होता है जूस, इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन होते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम है आपका तो इसको अगर पिएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, मैं इसको निचोड़ रही हूँ। एक्चुअली मैं एक ही हाथ से निचोड़ रही हूँ ना, एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मुझसे ठीक से हो नहीं रहा, इसलिए अब मैं मोबाइल को रख रही हूँ। फिर मैं दोनों हाथों से इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी। देखिए, मैंने अच्छे से निचोड़ लिया, अब जूस हमारा निकल गया है ना। अब देखिए, इसका सारा पल्प जो है कितना सूखा, कितना ड्राई लग रहा है। इसको देखिए, हाथ से छूकर देखेंगे, ज़रा भी इसमें रस नहीं है, जूस नहीं है हमारा इसमें ज़रा भी, क्योंकि हमने सारा जूस निकाल लिया। लेकिन अगर जूसर में निकालते ना तो सारा पल्प वेस्ट ही हो जाता, इसलिए मिक्सी में ही पीस लिया कीजिए। देखिए, अब ये जूस जो है इसमें एक टुकड़ा नींबू का डाल देंगे। नींबू का डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है और विटामिन सी भी रहता है। आयरन के साथ अगर विटामिन सी डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा अब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी में आयरन। देखिए, जूस में अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया ना नींबू, अब ये कप में डाल देंगे और पियेंगे। हम लोग सब मिलकर पी सकते हैं, आप भी पीजिए, पूरे फैमिली को भी पिलाइए। ये ना तो ज़्यादा बहुत ही कॉस्टली होता, ना ही अनार का जूस है, ना ही कोई और डाला है, अंगूर डाला, संतरा, कुछ भी नहीं, बस सब्जियाँ थी, उसको पीस लिया और बना लिया जूस। खुद भी पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए। और भी मैं ढेर सारे जूस की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले बार फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।